हाय फ्रेंड, मेरा नाम है दिनेश कुमार और एक बार फिर मेरे चैनल में लैब टेक्नीशियन अड्डा में आपका स्वागत है। यार सब्सक्राइब करो यार चैनल को यदि आप पहली बार देख रहे हो, है ना, और दूसरी बार भी देख रहे हो या कई बार देख रहे हो तो मेरे चैनल को आप शेयर कर सकते हैं, है ना। और वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक का बटन ज़रूर दबा देना यार देखने के बाद। और कोई सवाल है मन में और यदि कोई सुझाव है तो कमेंट भी कर देना, है ना। तो आज जो है मैं आपको जो है हेमेटोलॉजी लैब में कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म करते हैं हम उसके बारे में आपको बता देता हूँ, है ना। उसके बारे में हम डिटेल में जानकारी जो है एक एक टॉपिक में हम आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले आप क्लियर हो जाएं, या बिगिनर्स हैं या BMLT DMLT स्टूडेंट हैं तो आप क्लियर हो जाइए, है ना। तो हेमेटोलॉजी के टेस्ट में जो है दो भाग में एक्चुअली हम इसको डिवाइड करते हैं, हेमेटोलॉजी उसके बाद जो है क्लिनिकल पैथोलॉजी, तो अलग अलग है। तो पहले जो है हम हेमेटोलॉजी की बात कर लेते हैं, है ना। तो बेसिक जो है आपको सबको पता होगा CBC, है ना। CBC का टेस्ट जो है इसमें कंप्लीट ब्लड काउंट, उसके बाद जो है TLC DLC करते हैं, ठीक है। फिर ESR, ये कुछ चीज़ें जो है मैं आपको वीडियो में दे रखा है ना। उसके बाद जो है ब्लड स्मीयर विथ कमेंट, है ना, ब्लड स्मीयर भी बनाते हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया है। हीमोग्लोबिन, ठीक है, प्लेटलेट्स काउंट, उसके बाद रेटिकुलोसाइट काउंट, ठीक है। उसके बाद जो है PT प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ये भी बता दिया था मैंने। एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, है ना, APTT इसको बोलते हैं शॉर्ट में। और उसके बाद जो है हमारा आता है PS4 माइक्रोफाइलेरिया, ठीक है, G6PD, उसके बाद जो है सिकलिन टेस्ट, उसके बाद जो है एब्सोल्यूट इयूसिनोफिल काउंट, ब्लड ग्रुप, ठीक है, BT CT लगाते हैं, एली सेल, उसके बाद बोन मैरो स्लाइड स्टडी, ठीक है। तो ये जो है अपना पूरा जो हो गया आपका हेमेटोलॉजी के अंदर। उसके बाद जो है क्लिनिकल पैथोलॉजी में जो है हेमेटोलॉजी के अंदर ही अलग एक ब्रांच जो है या डिपार्टमेंट आप कह सकते हैं क्लिनिकल पैथोलॉजी, है ना। तो इसी में जो है हम टेस्ट अलग से परफॉर्म करते हैं, जैसे कि पूरे फ्लूड्स आ जाते हैं इसमें अलग अलग, है ना, जैसे कि एसाइटिक फ्लूड RM, ठीक है। RM का जो है मतलब होता है रूटीन माइक्रोस्कोपी, ठीक है। उसके बाद जो है ये पूरा डिटेल मैं आपको बता दूंगा, केवल टेस्ट के नाम जो है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद जो है पेरिकार्डियल फ्लूड आते हैं, ठीक है, उसमें भी RM लगाते हैं। फिर ये जो है पेरिटोनियल फ्लूड है, ठीक है, उसमें भी RM, सीमेन एनालिसिस, ठीक है। उसके बाद जो है CSF, उसके बाद जो है प्लूरल फ्लूड है, साइनोवियल फ्लूड, सब में RM है। यूरिन एनालिसिस, ठीक है, ये भी पूरा RM इसमें भी, ठीक है। उसके बाद जो है यूरिन 4, बेंस जॉन्स प्रोटीन, ठीक है, क्वालिटेटिव अलग से टेस्ट लगाते हैं, ठीक। तो उसके बाद यूरिन के अधिकतर जो है, जैसे कि यूरिन में फिजिकल, केमिकल और माइक्रोस्कोपिकल अलग अलग है ना, तो केमिकल के सारे टेस्ट इसमें लगाएंगे, है ना, फिजिकली भी देखते हैं, उसके बाद केमिकल, ठीक है, और उसके बाद जो है माइक्रोस्कोपी। तो ये अलग अलग जो है रूटीन टेस्ट जो है इसमें परफॉर्म करते हैं हेमेटोलॉजी के लैब में, क्लिनिकल पैथोलॉजी जो अलग से डिपार्टमेंट आता है, ठीक है। तो दोस्तों ये छोटा सा वीडियो था, आपको कैसे लगा हेमेटोलॉजी का जो ये वीडियो, है ना। और आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कर दीजिए, पसंद का आया आपको वीडियो तो, और यार सब्सक्राइब कर दो यार, है ना, और शेयर भी कर दो चैनल को, ताकि बहुत सारे लोगों को जो है बेनिफिट मिल सके जितना ज़्यादा हो सके। और आगे भी मैं वीडियो और बनाने जा रहा हूँ, तो और भी आप वीडियो देख लो जिए, है ना, ताकि आपको जो है क्लियर हो जाए कौन कौन से लैब में कौन कौन से टेस्ट जो परफॉर्म हो जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।